हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के राइट इशू को अप्लाई करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा या सेल करूंगा, ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने राइट इशू के बारे में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। अभी इस वीडियो में जो भी डाउट आए उसके कमेंट सेक्शन में ऑल डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस चल रहा है 186.1 एंड आरई शेयर की जो वैल्यू है वह 42 रुपीज है। अब फॉर एग्जांपल मेरी होल्डिंग में चलते हैं, यहां पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के मेरे पास में 682 शेयर होल्डिंग है 205 के एवरेज पर। प्राइस एडजस्टेड हो चुका है, आरई शेयर मुझे मिल चुका है, मुझे यहां पर इसका हाफ आरई शेयर मिला क्योंकि 1:2 में इन्होंने दिया है, यानी कि मुझे 341 शेयर मिला था। अब जरूरी नहीं है यदि मुझे 341 शेयर मिला है तो 341 शेयर के लिए मैं अप्लाई करूं, बिकॉज यदि मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे ज्यादा होल्डिंग नहीं करना है तो मैं पूरी क्वांटिटी के लिए राइट इशू अप्लाई नहीं करने वाला हूं अपने केस में। बिकॉज रीजन क्या है, हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एलोकेशन नहीं होना चाहिए एनी सिचुएशन में, जिससे कि रिस्क कंट्रोल रहे। और इस चीज को ज्यादातर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आपकी कन्वेक्शन है किसी स्टॉक के ऊपर तो वहां आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हो। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, सर आपका तो काफी कम स्टॉक है, बिकॉज मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, इस वजह से यहां पर मैं सभी पोर्टफोलियो को एक गूगल सीट पर मेंटेन करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एलोकेशन रखता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरे केस में मुझे यहां पर 341 शेयर मिले, बाकी के रिमेनिंग शेयर को मैंने यहां पर सेल कर दिया है और यहां पर मैं 100 शेयर के लिए अप्लाई करने वाला हूं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कोई भी जरूरी नहीं है पूरा आपको अप्लाई करना है, कोई भी जरूरी नहीं है कि एक भी शेयर अप्लाई करना है। यदि आप चाहते हो कि मुझे और होल्डिंग नहीं बढ़ाना है तो आप इसको आज की डेट तक आप इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि 8 फरवरी इसकी लास्ट ट्रेडिंग डे है। आज यदि सेल नहीं करोगे तो ये प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। और यहां पर जैसे कि अभी इसकी मुझे वैल्यू दिखा रहा है 4,200 रुपए, यदि मैं इसको ना ही सेल करता हूं 100 क्वांटिटी को, ना ही मैं अप्लाई करता हूं, तो मैं लूज करूंगा 4,200 रुपीज, राइट। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई, लेकिन मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं, ऐसी गलती मैं यहां पर नहीं करूंगा। तो अप्लाई किस प्रकार करना है वो थोड़ा सा बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर नहीं है, यदि वो राइट इशू को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आई बुल आरी शेयर ट्रेड हो रहा है, आपको सिंपली जाना है, सबसे पहले इस आरी शेयर को बाय करना पड़ेगा। मान के चलो कोई यहां पर 100 शेयर को बाय करता है, अब सबसे पहले बेसिकली ये कोई स्टॉक नहीं है, ये एक तरीके का टोकन है जो आप इसके बिहाफ पर राइट इशू के लिए अप्लाई करोगे। मान के चलो एक ट्रेडर है जिसने इसको बाय कर लिया, बाय करने के बाद में उसने बेसिकली राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो लूज करेगा 4,200 रुपीज। तो जब भी आपके पास में टोकन आज की डेट में है तो आपको राइट इशू के लिए 13 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना है। तो यहां पर मेरे केस में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर हूं तो मुझे आरी शेयर मिला हुआ है, हाफ आरी शेयर को मैंने सेल कर दिया है, 100 के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूं। सो ऑलमोस्ट ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे जो नया इन्वेस्टर है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर नहीं है, उसको सबसे पहले इसको बाय करने के लिए 4,200 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद में पर शेयर के हिसाब से 50 रुपीज कंपनी अभी ले रही है, उसके बाद में 100 रुपीज बाद में लेगी। 12 मंथ के दौरान कभी भी वो आपसे 100 रुपीज ले सकती है। अब एक और सवाल आता है कि सर मान के चलो हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद में आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का पार्शियल शेयर जो है अलॉट होगा। पार्शियल शेयर कैसे, पीपी बन लिख के आएगा कि फर्स्ट पार्शियल, फर्स्ट किस्त आपने जमा कर दी है, वो यहां पे ट्रेड होने लगेगा, उसको भी आप लोग ट्रेडिंग के दौरान सेल कर सकते हो, जैसे यदि ऊपर जाता है सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो और खरीद सकते हो, उसके बिहाफ पर सेकंड किस्त जमा कर सकते हो, तो वो सारी चीजें रहेंगी। फिलहाल फर्स्ट टाइम हम लोग राइट इशू को अप्लाई कर रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, तो यहां पर देख लेते हैं। उसके लिए आप लोगों को आपके इंटरनेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा, चाहे आप लोग किसी भी डीमैट अकाउंट हो, चाहे आपने अपस्टॉक के साथ खुला है, ग्रो के साथ खुला है, जिरोदा के साथ खुला है, आपकी कोई भी नेट बैंकिंग हो, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, तो आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाना है। अब इंटरनेट बैंकिंग में मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद में आगे के स्टेप आप लोगों को शो करता हूं। मेरे केस में मेरा जो बैंक अकाउंट है वह पंजाब नेशनल बैंक का है, तो मैं यहां पर जो है इसको लॉगिन करता हूं। तो गाइस यहां पर मैंने अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, या तो टॉप मेन्यू में आप लोगों को ASBA लिखा
दिखाई देगा, या फिर इन्वेस्टमेंट में जाना है, इन्वेस्टमेंट में यहां पर देखो ट्रेडिंग मिल जाएगा यदि जो पीएनबी के अकाउंट वाले हैं या अदर में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ई सर्विसेज में जाओगे वहां पर आप लोगों को अप्लाई फॉर एएसबीए, यहां पर आप लोगों को लिखा दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर एएसबीए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई फॉर एएसबीए पर क्लिक करोगे यहां पर व्यू इश्यूज लिस्ट के नेम से आएगा, यहां पर इन्वेस्टर टाइप में आपको इंडिविजुअल चूज कर लेना है, एचयूएफ एनआरआई या ट्रस्ट, इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे यहां पर टर्म एंड कंडीशंस होगा एएसबीए का, इसको आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा। जैसे ही एग्री करोगे तो यहां पर सारी लिस्ट आ जाएगी जो भी इशूज लिस्ट है, जैसे कि फिलहाल कुछ आईपीओ चल रहे हैं, कुछ राइट इशू चल रहे हैं, जैसे कि यहां पर काफी सारी कंपनी है, तो हम लोग इस लिस्ट में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को ढूंढेंगे तो यहां पर हमको मिल जाता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। हम सिंपली इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी डिटेल्स आएगी, डिटेल्स में आप देखोगे टाइप ऑफ इशू में राइट इशू हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी नेम में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आएगा एंड सिंबल यहां पर देख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज दोनों एनएससी बीएससी पर ट्रेड कर रहा है, स्टेटस अभी फिलहाल ओपन है, अप्लाई कर सकते हो। बिड प्राइस की प्राइस बैंड की बात करें 50 का है यहां पर एंड मार्केट लॉट साइज की बात करें तो आप एक क्वांटिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मार्केट लॉट साइज अमाउंट बिकॉज आप एक क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 50 रुपीज होगा क्योंकि अभी आपको 50 रुपीज पे करना है कंपनी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। यहां पर सारी चीज दी गई है कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम यहां पर काफी सारे कर सकते हैं। इशू ओपन डेट की बात करें 7 फरवरी से स्टार्ट है, यदि इशू क्लोज डेट की बात करें 13 फरवरी 2024 है। ध्यान रखिएगा ये आपका राइट इशू अप्लाई करने का लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024। यदि आप लोग अपने आरी शेयर को सेल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊं, तो उसको आज आप लोगों को सेल कर देना है 8 फरवरी 2024 को। आज के बाद में आपका वो टोकन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में 13 फरवरी तक आपके पास में एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप राइट इशू के लिए अप्लाई करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं रहेगा कि आप आरी शेयर को सेल करके जो टोकन अमाउंट है वो अपने डीमैट अकाउंट में ले पाएं या उस अमाउंट को कहीं दूसरे शेयर को खरीदने में यूज कर पाएं। यदि आप 13 फरवरी तक ना तो टोकन को आप लोग सेल किए हो आज, ना 13 फरवरी तक आप लोग राइट इशू के लिए अप्लाई करते हो, उस केस में आप अपना लॉस करोगे। जैसे कि मेरे केस में 100 आरी शेयर है तो अभी उसकी वैल्यू 42 रुपीज चल रही है, तो मेरे केस में मैं 4200 रुपीज लूज करूंगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, बाकी सारी डिटेल्स हमने देख ली है। अप्लाई पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग अप्लाई पर क्लिक करोगे आगे का पेज ओपन होगा एंड यहां पर वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट नाउ, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम लिखा दिखाई दे रहा है। मैं अगेन ट्राई करता हूं एक बार, अगेन ये हो चुका है। अभी जैसे ही आप लोगों का होगा यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपका यहां पर नंबर आ जाएगा, इन्वेस्टर कैटेगरी आ जाएगा, इन्वेस्टर टाइप आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, यहाँ पर मेरा नेम आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर डिपोजिटरी आप लोगों को चूज करना है, जैसे कि जो भी जीरोधा यूज करते हैं, अपस्टॉक है या ग्रो है, वो सभी सीडीएसएल डिपोजिटरी है उनका। जैसे ही आप लोग डिपोजिटरी चूज करोगे यहाँ पर आप लोगों को जीरोधा जो है टाइप करना है, यदि आप लोग अपस्टॉक हो तो अपस्टॉक टाइप करना है, तो यहाँ पर मैं जो है जीरोधा टाइप कर देता हूँ, राइट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं जीरोधा एंड आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं जीरोधा हूं, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। अब जैसे आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में जाओगे वहां पर आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर मिलेगा, ये 16 डिजिट का होगा। जैसे कि मैं होल्डर हूं जो है जीरोधा का, तो मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म में जाऊंगा, देन यहां से मैं अपने जो वो है उसको मैं यहां पे देख लेता हूं क्या है। तो गाइस जैसे ही आप लोग जीरोधा में प्रोफाइल में जाओगे तो यहां पर डीमैट बीओ करके आप लोगों को मिल जाएगा, 16 अंक का होगा, तो इसको मैं यहां से जो है नोट कर लेता हूं, देन वहां पर मैं इसको फिल कर देता हूं, ओके। अब गाइस जैसे ही आप लोग इसको फिल करोगे नीचे बिड डिटेल्स आएगा, बिड डिटेल्स में कट ऑफ बिड प्राइस, अभी ये लोग कितना रुपए ले रहे हैं, 50 रुपीस ले रहे हैं, एंड बिड क्वांटिटी कितनी है, मैं 100 क्वांटिटी लेना चाहता हूं, 100 लिखूंगा एंड बिड अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो 50 रुपीस के हिसाब से 100 क्वांटिटी मुझे 5000 रुपीस यहां पे करने होंगे। यहां पर बैंक अकाउंट नंबर
ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेट हुआ इसलिए मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, मैं अगेन लॉग इन करके प्रोसेस करता हूँ, देन आपके साथ में आता हूँ। तो गाइस अगेन कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर इशू सारा डिटेल्स आ जाएगा, इसको एक बार चेक कर लेना है। आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है, जैसे ही आप लोग ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के सबमिट करोगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लिया है, उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। देन यहाँ पर जो मेरा अमाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, जैसे ही मुझे पार्शियल शेयर मिलेगा उसके बाद में जो है यहाँ पर मेरा अमाउंट जो है डेबिट हो जाएगा मेरे अकाउंट से। फिलहाल आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा, हालांकि डेबिट ही रहेगा, उसको आप लोग यूज नहीं कर सकते। जितना भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है उसमें से 5,000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे मैं पीडीएफ के रूप में इसको निकाल लेता हूँ। तो पीडीएफ के रूप में मैंने इस सारी डिटेल्स को डाउनलोड कर लिया है। तो इस प्रकार आप लोगों को अपने राइट इशू को अप्लाई करना है। अब कुछ सवाल हैं उनको ले लेते हैं। काफी लोग बोल रहे थे सर जैसे कि मेरे पास में होल्डिंग में 682 शेयर हैं और मुझे आरी शेयर मिला है 341, क्या मैं 341 को बेच दूंगा तो क्या मेरी जो पर्सनल 682 की होल्डिंग है उसमें से कुछ कम होगा? जी नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा। ये आपको टोकन मिला हुआ है क्योंकि आप लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं और ये आपको फ्री में नहीं मिला हुआ है गाइस, इसका प्राइस एडजस्ट किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कम हुआ, वही अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो कुछ भी चीजें यहाँ पे फ्री में नहीं मिल रही है, राइट? तो इन चीजों को समझना है बहुत बारीकी से, उसके बाद में अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कुछ भी सवाल रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हुआ, कल मुझे ये वीडियो अपलोड करना चाहिए था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक्टिव हो चैनल के ऊपर और इस वीडियो को देख लोगे जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।